हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, बिहार प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी मौजूद इस सम्मानित मंच पर, हमारे गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेतागण मौजूद यहां पर, मेरे प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल के तमाम साथी, मेरे मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल के तमाम साथी मौजूद यहां पर, हमारे गठबंधन के तमाम पदाधिकारी साथी, साथियों आज जहां एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई और महज 12 दिन के बाद प्रथम चरण के चुनाव का मतदान होना है, ऐसे में आज का ये दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाला चुनाव निर्धारित करेगा हम लोग आने वाले 5 साल का भविष्य, और हम लोगों को ये याद रखने की जरूरत है कि आज से 10 साल पहले के चुनाव सिर्फ हमारे समाज, हमारे प्रदेश, हमारे देश को बांटने की राजनीति के आधार पर होते थे। ऐसे विवादित विभाजनकारी मुद्दों को उठाया जाता था जिससे समाज में बंटवारे की राजनीति को साधा जा सके, भले वो धारा 370 की बात हो, भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो या विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने तमाम इन मुद्दों का समाधान करने का कार्य किया, और आज अगर चुनाव में बात होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, यहाँ पर विकास के कार्यों को गति देने की बात होती है। साथियों आज इस मंच से मैं सिर्फ हमारी तमाम माताओं से, बुजुर्गों से और खास तौर पर मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों से आग्रह करूंगा, भारत एक युवा देश है, बिहार एक युवा प्रदेश है, लगभग 65% बिहार में ऐसे युवा हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। पहचानिए अपनी ताकत को, अगर बिहार के युवा एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे बिहार के युवाओं की ताकत है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी हम युवाओं में भेदभाव नहीं किया, किसी को अगड़ा, किसी को पिछड़ा, किसी को हिंदू, किसी को दलित, ये नहीं सोचा। सबको साथ लेकर चलने की बात की, सबके साथ की, सबके विकास की, सबके विश्वास की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। आज जब बिहार में डबल इंजन की सरकार है, इसको हम लोग को मजबूती देने की जरूरत है, हमारे प्रधानमंत्री जी को मजबूती देने की जरूरत है, हमारे मुख्यमंत्री जी को मजबूती देने की जरूरत है, आदरणीय जीतन राम मांझी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देने की जरूरत है, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक विकसित बिहार, एक विकसित देश का सपना देखा था जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा करने में लगे हुए हैं। आप सबसे आग्रह है, आज जब प्रधानमंत्री जी बिहार की इस धरती में हैं, एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय बिहार। हमें बिहार के सम्राट, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आके जनता को संबोधित करें। सम्राट चौधरी जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। आज नवादा की इस पावन धरती पर देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे बड़े नेता और देश के सब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं नवादा की पावन धरती पर पूरे नवादा की ओर से दोनों हाथ फैलाकर उनका स्वागत करने का काम करता हूं। आज यहां पर बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, आदरणीय बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी, इस मंच पर उपस्थित हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी जी, सम्मानित नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज नवादा की पावन धरती पर आए हैं। साथियों आप लोगों से आग्रह करने आए हैं, आपने जो ताकत दिया था पिछले 10 वर्षों में इस देश में, जो संकल्प के साथ इस भारत को खड़ा करने का, उस भारत को बढ़ाने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, गरीबों के कल्याण के लिए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह
आदरणीय मोदी जी ने इस देश में गारंटी के तौर पर कहा है कि इस देश में जहां भी भ्रष्टाचार होगा उस भ्रष्टाचारी को जेल जाना पड़ेगा। उसी तरह हम लोगों ने भी जब आपके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार बनी है तो बिहार में तय किया है कि अब बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया उनको या तो बिहार से बाहर जाना होगा नहीं तो जेल के अंदर बंद होना पड़ेगा। इसलिए हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि जो 10 साल से लगातार इस देश के प्रधानमंत्री जी गरीबों कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और इस तरह आप तो सोच नहीं सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए 5 किलो अनाज की भी व्यवस्था किया तो आयुष्मान भारत के माध्यम से आज मात्र 15 दिनों में हम लोगों ने जब डबल इंजन की सरकार आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी बना तो हम लोगों ने एक ड्राइव चलाया आचार संहिता के पहले और 15 दिनों में बिहार के 2 करोड़ गरीबों को जिस तरह 5 किलो अनाज आप देते हैं उसी तरह उसको 5 लाख का जो इलाज का सपना आपका है उसको भी हम बिहार में स्थापित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम तमाम नवादा के साथियों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, सभी जाति धर्म को उठकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें और एक एक वोट 19 तारीख को विवेक ठाकुर जी के सामने बटन दबाकर कमल छाप को निशान को देकर फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बिहार के जनप्रिय नेता, बिहार के विकास पुरुष, हम लोग सभी के अभिभावक आदरणीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि वो आके नवादा की धरती को संबोधित करें। नीतीश कुमार जिंदाबाद। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, श्री नित्यानंद राय जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, रेणु देवी जी, संतोष कुमार सुमन जी, एनडीए के उम्मीदवार श्री विवेक ठाकुर जी, यहां उपस्थित एनडीए के सभी पार्टियों के जिला अध्यक्ष, एक बार जो सभी अनेक माननीय सांसदगण, विधायकगण, एनडीए के सभी नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज लोकसभा के चुनाव प्रचार में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहां पधारे हैं। मैं सबसे पहले उनका अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि वे यहां पधारे हैं और मुझको पूरी उम्मीद है कि आप सब जानते हैं कि जरूर विवेक ठाकुर जी भारी मतों से जीतेंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री, हम सबसे अनुरोध करना यही चाहते हैं और हम लोग भी इसी के प्रचार प्रसार में आप लोगों के बीच में आए, सब जीतिएगा। अब आप जानते हैं कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सहयोग मिलता है, अनेक कार्यक्रम वो चला रहे हैं और उसके चलते आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप जान लीजिए कि बिहार में भी बहुत तेजी से
काफी विकास हो रहा है। और याद करिए कि जब हम लोग 2005 में आए थे और 2006 से जो सारा काम शुरू हुआ वो तो नवंबर में हम लोग आए थे लास्ट में, 2005 का तो एक ही महीना और दो तीन दिन थे। और पूरा का पूरा 2006 से जो काम हुआ एक बार खाली याद रखिएगा और देख लीजिए कि जरा कम उम्र के लोग हैं वो पुरानी बातों को भूल गए। हम सबको चाहेंगे कि अपने बाल बच्चों को भी याद करा दीजिए कि पहले क्या हाल था पांच के पहले। आजकल लोग प्रचार करने आता है और दावा पेश करता है, तो आप जरा याद करिए कि 2005 के पहले पूरे बिहार में क्या हाल था। आप शाम में घर से नहीं निकलते थे, अब नई पीढ़ी का लोग है खूब घूमता है, उसको तो याद नहीं है। या जान लीजिए कि पांच से हम लोग जब सत्ता में आए और काम करने लगे और छह के बाद पूरे बिहार में इतना काम किया कि आज सब लोग शाम में टहल रहा है और पहले कोई घर से नहीं निकलता था, आने जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं था, आज सब जगह रास्ता बन गया। तो इसको भूलिएगा मत, हम लोग 18वें साल में हैं, ऐसा मत पूछिएगा कि इसके पहले उन लोगों को मिला था 15 साल। अब क्या काम किए थे, कोई काम किए थे क्या? पति पत्नी राज किए और कोई काम हुआ था? कोई काम नहीं हुआ था। इसलिए याद करिए और हम तो यही कहेंगे कि पहले की स्थिति को पूरे तौर पर लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या बुरा हाल था और उसके बाद हम लोगों की सरकार ने कितना काम किया है यहाँ पर, पांच से ही छह से ही शुरू जो किया। और कितना होता था, कितना विवाद होता था पहले और कितना झगड़ा होता था आपस में, कितना झगड़ा और हिंदू मुस्लिम में भी खूब झगड़ा। अब आप देख रहे हैं कि छह के बाद कोई हिंदू मुस्लिम का उस तरह का झगड़ा होता है, अब पहले बहुत झगड़ा होता है। तो हम तो मुस्लिम लोगों को भी सबको कहेंगे भूलिएगा मत, जब हम लोग आए तो सबको एकजुट किया, इसलिए ऐसा मत कर दीजिए, भूलिएगा मत। और जो जिनको मौका मिला वो कोई काम नहीं किए, इसलिए उनको मत वोट दीजिए, काम तो हम लोग किए। और आप लोग भूलिएगा मत, 10 में जब चुनाव हुआ था तो आप लोगों ने 50% से ज्यादा मुस्लिम लोगों ने हम लोग दोनों पार्टियों को वोट दिया था। तो आप भूलिएगा मत, हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा सब काम हो रहा है। आप पहले क्या हाल था भाई, स्वास्थ्य का क्या हाल था, आप जरा बताइए ना कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले क्या हाल था, भूलिए मत। एक महीना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ 39 लोग आ जाते थे, किसी दिन एक आदमी, किसी दिन दो, ये हालत था, किसी का इलाज नहीं होता था। और अब कितना बढ़ गया, अब एक साल में 1000 से भी ज्यादा लोग आ रहे हैं अपने इलाज के लिए। तो जब समूचा काम किया हम लोगों ने छह से ही, और इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती थी, हम लोगों ने न सिर्फ इलाज का व्यवस्था किया लेकिन उसके साथ साथ ये भी हम लोगों ने तय कर दिया कि उसको जो कुछ भी इलाज करने में दवा की जरूरत है, जो कुछ भी होती है, वो सब का इंतजाम राज्य सरकार ने करवाया था। तो इन सब चीजों को भूलिएगा नहीं। और कितना ज्यादा पहले हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, तो हम लोग कितना कर दिए हिंदुओं के भी उत्थान का, मुसलमानों का भी। आप समझ लीजिए 2006 में कब्रिस्तान की घेराबंदी किया है, 8000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गई है और भी कुछ हो रहा है।
इसके लिए 9000 के करीब तय कर दिया गया, बाद में और भी चल रहा है, बाकी का भी हम लोग काम कर रहे हैं। और 60 वर्ष से पुराने मंदिरों का भी चार दीवारी कर रहे हैं। बहुत लोग चोरी कर लेता है अंदर जाकर के मूर्ति से, तो उसका भी घेराबंदी हम लोग करा रहे हैं। तो हर तरह का काम तो हम लोग किए हैं, इसको भूलिएगा नहीं, सब तरह का काम हम लोगों ने किया, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क, पुल, पुलिया, सबका निर्माण किया। और आप जानते हैं कि हम लोग जो किए और जो 6 में 10 में ये सब में दोनों बार हम लोगों ने सब काम और उसके बाद भी आगे काम किया, तो आप समझते हैं कि हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। आप पहले कहां किसी को बिजली मिलती थी जी, हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल पहुंचा दिया, हर घर शौचालय, पहले शौचालय किसी के घर में नहीं था। अब बाहर जो शौचालय जाते थे, अब बाहर का पानी पीते थे, इसलिए बहुत लोग बीमार पड़ता था। हम लोग यही बात सब दिन सबको कहते रहे, और आप सोचिए हर घर शौचालय पहुंचा दिया। तो एक एक काम हम लोगों ने कर दिया। अब पक्की गली नाली का निर्माण, टोलों को ग्रामीण सड़कों से भी जोड़ दिया गया, और उसके बाद फिर आगे भी काम करके हम लोगों ने कितना काम किया। आपको मालूम है 2005 से 2020 तक के बीच में 8 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिली है और लाखों लोगों को रोजगार मिला। और इस बार 2020 में हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख को सरकारी रोजगार देंगे। आप ध्यान लीजिए 4 लाख हो चुका है, 1 लाख अधिक पदों पर बहाली चल रही है, युवाओं को सरकारी रोजगार मिल गया है, और 3 लाख का काम शुरू है। हम लोग समझ लीजिए चुनाव जो होगा विधानसभा का, उसके पहले हम लोग 10 लाख हो सकता है उससे भी ज्यादा हम लोग सबको सरकारी नौकरी में पहुंचा देंगे। ये जान लीजिए ये सब काम हम लोग किए और कर रहे हैं, और अभी तक 5 लाख लोगों को रोजगार भी मिल गया। तो इसके बाद हम लोग छोड़ देंगे जी, 10 लाख का कहे थे तो 10 लाख से भी ज्यादा का रोजगार हम लोग पहुंचा देंगे। तो ये सब तो राज्य में भी हम लोग कर रहे हैं, और केंद्र का कितना ज्यादा सहयोग मिल रहा, हर प्रकार का सहयोग केंद्र के सरकार से, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की, कितने जगहों पर सड़कों का, बहुत तरह का काम, अनेक तरह का काम किया जा रहा। तो इसीलिए इन सब चीजों को याद करिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो काम करवाते हैं पूरे देश में और बिहार में, उसको याद करिए। हम सब लोग मिलकर के बिहार में जो काम कर रहे हैं उसको भी याद रखिएगा, और मिलजुल करके हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 10वां साल चल रहा, फिर तो आगे रहे करेंगे, 5 साल में कोई दिक्कत नहीं, और हमको पूरी उम्मीद है कि 4000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहाँ पर रहेंगे इनके पक्ष में। तो आप लोग सब पक्ष में दीजिएगा ना, यहाँ के लोगों को वोट दीजिएगा ना, यही हम अनुरोध करने आए, पूरा दीजिए, ताकि आपका भी और आपके लिए कितना भी काम किया है जी। नवादा हम घूमते न रहे जी, एक भी काम आप जानते हैं नवादा से कितना बढ़िया। अब आप जानते हैं कि नवादा के सोखो देवरा पहाड़ के बगल में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी बहुत पहले आए और वहां पर वो रहते थे। अब बाद में जब हम लोग बराबर घूमते रहे, वहां पर कोई बात में कुछ कमी थी उसको भी ठीक किया। अब बराबर ना हम जाते रहते हैं, याद है ना, हम तो हर जगह घूमते ना रहते हैं। अब पिछले साल तक भी सब जगह ज्यादा करके एक एक काम देख लेते हैं जी, और सब जगह का कितना ज्यादा काम आपके यहाँ भी जो हुआ, बहुत लगता था। अब पहले कितना समय लगता था, अब पुल पुलिया सड़क का भी निर्माण यहाँ पर कितना हुआ, आने जाने में असुविधा थी, सब कुछ कर दिया गया। अब आपको एक बात और बता देते हैं कि यहाँ पर भी पीने के लिए पानी की कमी थी, यहाँ भी नवादा में
तो अभी हम लोगों ने साथ में तय कर लिया था जल डैश जीवन डैश हरियाली में कि हम लोग गंगा जल पहुंचा देंगे गया में, बोधगया में, नवादा में और वहां राजगीर में। अब आप समझ लीजिए नवादा का काम अभी पिछले बार सब कुछ हो न गया न गया, एक एक काम कर रहे हैं। आज जितना काम करवाए हैं हम लोगों की सरकार ने यह तय कर दिया कि और जरूरत पड़ेगा तो और ज्यादा हम गंगा जल को लाएंगे और हर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो एक एक तरह से तो हर तरह का काम हम लोग कर ही रहे हैं और कौन काम नहीं किया गया है। इसीलिए याद रखिए और हम लोग एक एक जगह कोई समस्या होती है उन सब चीजों को देखते रहते हैं और आप चिंता मत करिएगा। इतना विकास हुआ और मैंने शुरू में ही कहा पहले कुछ नहीं था, बाद में बहुत कुछ हुआ है, अभी हो रहा है। आ कितना कम बच्चियां पढ़ती थी, लड़के कितना कम पढ़ते थे और उसके लिए कितना काम कर दिए। तो लोग याद न रखे, याद रखे और ताकि सब कुछ और इतना सब काम हो रहा है। और लोग जो पहले कुछ नहीं किए थे कुछ दिन के लिए हमारे साथ आ गया था, ले आए थे हम गलती कर से ले आए थे, अब उसके चलते जो हम काम करवाए तो दावा कर रहा है कि हम काम किए, वो क्या काम करेगा। याद करिए ना 15 साल क्या काम किया और यहां पर सारा काम हो रहा है। और अब हम एक बार उसको कुछ दिन के लिए लाए फिर छोड़ दिया, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो काम पास से हम लोगों ने शुरू किया भविष्य में कभी हम लोग आपस में नहीं छोड़ेंगे, एक साथ रह करके ही आगे बढ़ाएंगे। पूरा बिहार आगे बढ़ेगा, पूरा देश आगे बढ़ेगा। तो आज आप सबके काम के लिए भी आए हुए हैं, आपकी बात के लिए, ये मामूली बात नहीं है। प्रचार हो रहा है अब इसके लिए आज पधार गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुझे पूरा उम्मीद है कि नवादा लोकसभा क्षेत्र से विवेक ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसीलिए हम आपसे ही चाहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपसे अनुरोध करने आए हैं तो आप बताइए विवेक ठाकुर भारी मतों से विजयी होंगे, हाथ उठा के बताइए, सब लोग हाथ उठा के बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके लिए मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहिए जितना काम आगे बढ़ा है उसको भी और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिस इंतजार की घड़ी थी वो अब खत्म हो गई। हम लोग के देश के नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सभी चाणक्य की बौद्धिक क्षमता है और इसमें देश को दिशा देने का अद्भुत सामर्थ्य है। ये क्षेत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू की जन्मभूमि भी है। नवादा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की भी कर्मभूमि है। मैं इन सभी महान विभूतियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, नवादा ने हमेशा भाजपा को एनडीए को अपना भरपूर प्यार और भरपूर आशीर्वाद दिया है और मैं देख रहा हूं आज भी आपका ये उत्साह, ये प्यार, ये साफ साफ बता रहा है कि नवादा के साथ साथ पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। मैं अभी बैठे बैठे नीतीश जी से, हमारे सम्राट जी से बात कर रहा था। मैंने कहा भाई सभा का समय क्या दिया है,
क्योंकि हुजूम अभी आ ही रहा है। ये दोनों गेट पे मैं देख रहा हूं, यानी एक प्रकार से पूरा प्रवाह चल रहा है। ये अद्भुत नजारा है साथियों। बीते 10 वर्षों में देश ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है, देश में विकास के जो काम हुए हैं, एनडीए को मिल रहे विशाल जन समर्थन में उसकी झलक दिख रही है। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार आज पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार। साथियों, आपको याद होगा लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। भारत के इतिहास में कई शताब्दियों के इंतजार के बाद ये समय आया है। ये वो समय है जब हम मिलकर काम करें तो भारत विकसित हो सकता है। भारत अपनी गरीबी दूर कर सकता है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है और इसलिए 24 का ये चुनाव बहुत अहम हो गया है। बीते 10 वर्षों में बिहार के लोगों ने देश हित में लिए गए अनेक बड़े निर्णय देखे हैं। आज भारत में, बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आज बिहार में आधुनिक एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है, वंदे भारत जैसी ट्रेनें बढ़ रही हैं, डिजिटल क्रांति ने सरकार की सेवाओं को आपके मोबाइल में पहुंचा दिया है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आप मेरी बात से सहमत हैं? भारत का डंका बज रहा है, यूरोप में डंका बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में डंका बज रहा है, न्यूजीलैंड में डंका बज रहा है, अफ्रीका में डंका बज रहा है, अमेरिका में डंका बज रहा है। कैसे ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? आपने गलत जवाब दे दिया। ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये आपके एक वोट के कारण हो रहा है। आपके उस वोट की ताकत है जिसने देश को मजबूत सरकार दी और उसके कारण देश मजबूत कदम उठा रहा है। मुझे विश्वास है बिहार की ये महान धरती विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अपना भरपूर आशीर्वाद देगी।
साथियों, मोदी देश से गरीबी खत्म करने के मिशन में जुटा है। मैं भी आप ही की तरह गरीबी को जीकर यहां आया हूं। मैं कभी भूल नहीं सकता कि 2014 के पहले देश में क्या स्थिति थी। करोड़ों देशवासी कच्चे घरों में रहने को मजबूर थे या बेघर थे। देश के गांवों में ज्यादातर लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थे। गरीबों के पास न गैस कनेक्शन था, न नल से जल आता था। गरीब का राशन बिचौलिए खा जाते थे। अस्पताल में इलाज के लिए गरीब को दर दर भटकना पड़ता था। साथियों, गरीब का बेटा मोदी गरीब का सेवक है। मैं जब तक देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। बीते 10 वर्षों में गरीब कल्याण के लिए जो काम हुआ, वो आजादी के बाद के 6 दशकों में भी नहीं हुआ था। इसी का नतीजा है कि 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं, तो नतीजे भी मिलते ही हैं। और साथियों, अगर मैं आपको ही पूछूंगा तो आप इस सरकार के अनगिनत काम बता देंगे। हर इलाके का लोग बोलेंगे, हाँ हमारे यहां ये हुआ। हर परिवार कहेगा, हाँ हमारे यहां ये हुआ। 10 साल में इतना काम, इतना तेजी से काम, पहले कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी उतनी तेजी से आज काम हो रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, आपको लगता होगा सभी सर्वे वाले कहते हैं कि भी इस बार तो 400 पार पक्का है। सारे अखबार वाले लिखते हैं 400 पार पक्का है। सब लोग कहता है कि भी एनडीए का जय जयकार है। फिर लोग कहते हैं, अरे इतना सारा हो रहा है, मोदी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? भाइयों बहनों, चुनाव तो आपने जीताना तय कर लिया है। मैं तो मेहनत इसलिए करता हूं कि मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाता है। अपनों से मिलने का आनंद होता है। अपनों को मिलने से ऊर्जा मिलती है, अपनों को मिलने से प्रेरणा मिलती है, और इसलिए मैं आपके बीच आता रहता हूं। और भाइयों बहनों, इतने सारे काम हुए, कोई ये कहेगा यार मोदी जी बहुत हो गया, इतिहास में नाम हो गया, अब तो आराम करो। मेरा उनको जवाब है, मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, लेकिन मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है।
इतने से हमें रुकना नहीं है। अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है, अभी तो रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना है, अभी तो बहुत कुछ करना है। हमें देश को, बिहार को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। साथियों, बिहार और नवादा की हमारी माताओं बहनों को लंबे समय तक जंगल राज के अंधेरे में अपना जीवन गुजारना पड़ा है। बिहार में एक वो भी समय था जब हमारी बहन बेटियों को सड़क पर निकलने से डर लगता था। नीतीश बाबू के प्रयासों से, हमारे सुशील मोदी जी के अथक प्रयासों से बिहार इस जंगल राज से बाहर निकला। अभी नीतीश जी विस्तार से बता रहे थे कि जंगल राज के समय शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अन्य सुविधाओं की कैसी हालत थी। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार उन परिस्थितियों से बाहर निकला है। अब हर बहन के पास उसके इस भाई की, मोदी की गारंटी भी है। आज 12 करोड़ घरों में बने इज्जत घर महिलाओं के सम्मान की गारंटी है। आज बिहार में करीब 1.25 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर धुएं से आजादी की गारंटी है। अकेले नवादा में ही 2 लाख से ज्यादा उज्ज्वला कनेक्शन है। बिहार के गरीबों को मिले 37 लाख पीएम आवास, महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा की गारंटी है। बिहार के 8.5 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन इस बात की गारंटी है कि किसी मां की संतान भूखे पेट नहीं सोएगी। इतना ही नहीं, तीसरे कार्यकाल में अभी तो मोदी की कई और गारंटी आने वाली है। अब मोदी की गारंटी है कि गांवों की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। अब मोदी की गारंटी गांव और गरीब परिवार की बहनों को ड्रोन पायलट बनाने की है। मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी शुरू की है ताकि गरीबों का बिजली का बिल, मध्यम वर्ग का बिजली का बिल 0 हो जाए, 0 हो जाए। लेकिन साथियों, मोदी की ये गारंटियां कांग्रेस, आरजेडी वाले, इंडी गठबंधन वालों को परेशान कर रही है, उनको पसंद नहीं आ रही है। इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि मोदी जी, आपको जो गारंटी देता है उस पर बैन लगना चाहिए। अरे इतने डर गए हो क्या? अरे मोदी की गारंटी से घबरा रहे हो क्या? ये लोग कहते हैं और कानून को जानकार कह रहे हैं कि मोदी का गारंटी देना ही गैरकानूनी है। मेरे देशवासी, आप ही देश के मालिक हैं, आप मुझे बताइए
क्या मोदी गैरकानूनी काम कर रहा है? क्या गारंटी देना गैरकानूनी है? क्या मैं मेरे देशवासियों को मेहनत करने की गारंटी देता हूं तो क्या मैं गुनाह करता हूं? मैं मेरे देशवासियों को यह कहूं कि मैं 24 घंटे काम करूंगा तो क्या यह गुनाह है? मोदी गारंटी देता है, उसको भी उन्होंने गुनाह बना दिया। अरे भाई, मोदी गारंटी इसलिए देता है क्योंकि उसके पास गारंटी पूरी करने का मादा है। मोदी गारंटी इसलिए देता है कि मोदी की नीयत साफ है। मोदी इसलिए गारंटी देता है क्योंकि वो गारंटी पूरी करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। अहंकार में डूबे इंडी गठबंधन वालों को, खुद को देश का परमानेंट शासक समझने वाले इंडी गठबंधन वालों को ये समझ नहीं आएगा। साथियों, चुनाव में झूठ बोलना, झूठ बोलकर वोट लेना इंडी गठबंधन वालों की पहचान यही है। इसलिए ये मोदी की गारंटी उसे भी रोकना चाहते हैं। ये भूल रहे हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी ने कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? 370 गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? ये बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन ये इंडी गठबंधन वाले जवाब दें, इतने साल आपने राज किया, संविधान के नाम में गीत गाते रहते हो, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया था। ये मोदी है जो बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर की धरती पर भी ले गया, इतने सालों के बाद ले गया। और आप कमाल देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, छोटा पद नहीं है, उन्होंने अभी भाषण किया, उन्होंने ये कहा, और वो कहीं शायद राजस्थान में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये राजस्थान में आकर के 370 का क्या लेने देना, मोदी यहां आकर के 370 की बात क्यों करता है? ये सुनकर के मुझे बहुत शर्म आई दोस्तों। क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? जम्मू कश्मीर हरा मारा है कि नहीं है? कांग्रेस समझ ले, सुन ले, इसी कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे बिहार के अनेक नौजवानों ने मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। कितने ही वीर जवान तिरंगे में लपट करके लौटे हैं कश्मीर को बचाने के लिए। आप ये कहते हो राजस्थान की धरती पर भी इतने ही वीर परिवार हैं जिनके बेटे मातृभूमि में कश्मीर की रक्षा करने के लिए शहीद होकर के लौटे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना, ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। क्या ऐसी भाषा बोलने वालों को माफ किया जा सकता है? क्या शहीदों का अपमान सहन किया जा सकता है? भाइयों बहनों, मोदी ने 3 तलाक को खत्म करने की गारंटी दी थी,
नतीजा क्या हुआ? तीन तलाक जैसी महिला विरोधी कुप्रथा खत्म हो गई। मोदी ने भारत को आंख दिखाने वालों को सबक सिखाने की गारंटी दी थी। नतीजा, जो भारत को आंख दिखाते थे अब वो आटे के लिए भटक रहे हैं। मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है, जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया। जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। और ये देखिए, चलो भाई, देशवासियों ने चंदा दिया, एक रुपया, पांच रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है, सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है, देशवासियों ने बनाया है। इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से? इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से? इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से? उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से? ये राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। क्या ये शोभा देता है? क्या शोभा देता है? क्या इतना ही नहीं, इनके मन में इतना जहर भरा, इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आ गए तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। जरा रामनवमी आ रही है, ये पाप करने वालों को भूलना मत भाइयों बहनों, भूलना मत। और इसलिए ये भी जानते हैं कि अगर मोदी की गारंटी ऐसे ही चलती रही तो इनकी वोट बैंक की दुकान ही बंद हो जाएगी। और इसलिए ये लोग मोदी की गारंटी का विरोध कर रहे हैं। साथियों, इंडी गठबंधन के पास न विजन है न विश्वसनीयता है। दिल्ली में जो लोग एक साथ खड़े होते हैं, अलग अलग राज्यों में वही एक दूसरे को गाली देते हैं। यहां बिहार में तो गजब हाल चल रहा है, यहां इंडी गठबंधन एक उम्मीदवार खड़ा करता है तो दूसरा नेता कहता है कि असली उम्मीदवार वो है। यहां आपस में ही सिर फुटबल मची है। ये मजबूरी में साथ आए लोग हैं और इनकी मजबूरी का एक ही नाम है, सत्ता का स्वार्थ। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना, इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। आप इनके बयान देख लीजिए, इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं, इंडी गठबंधन वाले भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। साथियों,
पूरे देश में चुनाव की हलचल बढ़ रही है, लेकिन ऐसा चुनाव है जिसमें विपक्ष के लोग गठबंधन बनाकर भ्रष्टाचारियों को छुड़ाने की रैली तो कर रहे हैं, और हालात देखिए, दो खेमे, दोनों के विचार देख लीजिए। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, देश तोड़ने की बात करने वाले, भ्रष्टाचारियों का समर्थन करवाने वाले, सनातन धर्म को खात्मे की बात करने वाले, इन लोगों को बिहार माफ करेगा क्या? बिहार माफ करेगा क्या? कांग्रेस, आरजेडी आपका एक भी वोट पाने के हकदार नहीं है। इन लोगों को सत्ता और भ्रष्टाचार की लत लग चुकी है। सत्ता से दूर जाते ही ऐसे छटपटाने लगते हैं जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। इसलिए इन्हें सत्ता से दूर रखना बहुत जरूरी है। साथियों, मुझे कल दिल्ली में कुछ लोग बता रहे थे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये इंडी गठबंधन इस चुनाव के मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा, उनके नेता नहीं आ रहे हैं, तो मैंने जरा पूछताछ की। मैंने कहा भाई मामला क्या है, ठंडे पड़े हो? वैसे उनके एक नेता ने बयान भी कर दिया कि हमारे लोग बहुत सुस्त है, ठंडे है, कुछ करना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा इतनी गठबंधन के वरिष्ठ नेतागिरी में पिछले 15 दिन से बहुत तूफान चल रहा है। तो मैंने कहा क्या तूफान चल रहा है भाई? बोले उनके एक नेता ने हट पकड़ करके बैठे हैं कि जब तक इंडी गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा, वो एक भी चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। अब ये हाल है उनका, वो बता नहीं पा रहे हैं उनका नेता कौन है, और वो अंदर अंदर लड़ रहे हैं। और इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि भी अभी नहीं, चुनाव नतीजे आने के बाद तय करेंगे। अब वो अड़ करके बैठ गए हैं, और वो कहते हैं जब तक मुझे नेता घोषित नहीं करोगे मैं कोई रैली करने वाला नहीं। अब ये समझा रहे हैं, पता नहीं समझ जाए नहीं समझ जाए, लेकिन ये हाल है उनका। साथियों, मैंने हमेशा कहा है 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, और ये सिर्फ शब्द नहीं है, मेरी भावना है, आपका सपना ही मेरा संकल्प है। नवादा के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भाजपा ने हमारे साथी मित्र विवेक ठाकुर जी को उम्मीदवार बनाया है। उनको दिया गया एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा। 19 अप्रैल को कमल छाप, उस पर दिया गया हर वोट विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेगा। आप यहां से जाकर नवादा के जन जन तक मेरा प्रणाम भी जरूर पहुंचाइएगा। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।